हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ जहीर अब्बास। आज अपन पढ़ना चाह रहे हैं हेलोजन व्युत्पन्न चैप्टर नंबर 10 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। पीछे की क्लासों में जैसे हम पढ़ चुके हैं हेलो एल्केन के बारे में। हेलो एल्केन मतलब था ऐसे हेलोजन यौगिक जिसमें हेलोजन परमाणु sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा हुआ होता है और हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इनको विभिन्न भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, पॉली हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन का मतलब हम समझते हैं ऐसे हेलोजन यौगिक जिनमें एक हेलोजन परमाणु उपस्थित होता है। इसी प्रकार से डाई ट्राई पॉली में, डाई में दो हेलोजन, ट्राई में तीन हेलोजन और पॉली में चार और चार से अधिक हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। इन यौगिकों में महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो अभिक्रिया थी वो थी SN1 और SN2 अभिक्रिया, जो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रकार है। इसी चैप्टर में हम आगे की क्लास में अपना आज हेलो एरिन टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। हेलो एरिन, इसमें दो शब्द हैं, हेलो हेलो मतलब हेलोजन, एरिन एरिन मतलब एरोमेटिक बने, मतलब ऐसे यौगिक जिसमें हेलोजन परमाणु एरोमेटिक वल्ले से जुड़ा हुआ होता है हेलो एरिन कहलाते हैं। मतलब ऐसे यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणु एरोमेटिक वल्ले से सीधा अटैच्ड होता है, जुड़ा हुआ होता है, हेलो एरिन कहलाते हैं। एरोमेटिक यौगिकों में जो वल्ले में उपस्थित कार्बन है उसका संकरण sp2 होता है। कुछ एग्जांपल अपन हेलो एरिन के देखना चाहें तो लिखे पहले से क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। इनमें ये क्लोरीन और ब्रोमीन जो हेलोजन है वो सीधा एरोमेटिक बेंजीन वल्ले से जुड़े हुए हैं और जिस कार्बन से जुड़े हुए हैं उनका संकरण sp2 है। तो ये हेलो एरिन है। समझ गए होंगे आप कि हेलो एरिन का मतलब हेलोजन परमाणु यदि सीधा बेंजीन वल्ले से जुड़ा हुआ है तो वो यौगिक हेलो एरिन कहलाते हैं। इन यौगिकों का नाम लिखते समय इनको बेंजीन वल्ले का व्युत्पन्न मानते हुए इनका नाम लिखा जाता है। जैसे इस यौगिक का नाम अपने लिखा क्लोरोबेंजीन, तो ये प्रतिस्थापी क्लोरो फिर बेंजीन। इसी प्रकार से ब्रोमोबेंजीन है, अगर अपन यहां आई लगा देते हैं तो नाम इसका आयोडोबेंजीन हो जाता है। अगर एक से अधिक प्रतिस्थापी इसमें उपस्थित हैं तो अल्फाबेट ऑर्डर के हिसाब से उसका नाम लिखकर अंत में अपन बेंजीन शब्द लगाते हैं। जैसे इस टाइप से लिखें तो ये अपने पास हो जाएगा, यहां Br ब्रोमीन है, Cl क्लोरो है। ब्रोमीन ब्रोमो मतलब B से स्टार्ट होता है, क्लोरीन क्लोरो मतलब C से स्टार्ट होता है। तो ABCD क्रम में हम जानते हैं पहले ब्रोमो आता है B, फिर आता है क्लोरो। तो यहां से अपन नंबरिंग कर लेते हैं और इस टाइप से नंबरिंग करते हुए इसका नाम लिखेंगे अपन 1 ब्रोमो, 3 क्लोरो बेंजीन। इस प्रकार से जो हेलो एरिन है वो अपन उनका नाम लिख सकते हैं। आगे फिर हम जानते हैं इसमें जो CX बंद है उसकी प्रकृति के बारे में अपन को जानना होगा, जो पीछे अपन हेलो एल्केन में भी पढ़ के आ चुके हैं। यहाँ हेलो एरिन में भी आप जानते हैं, देख सकते हैं कि हेलोजन कार्बन से अटैच्ड है। इसी प्रकार से जो हेलो एल्केन था लाइक CH3X या Cl, तो इसमें भी क्लोरीन है, वो कार्बन से अटैच्ड है। और अपन ने वहां इस बंध की प्रकृति बताई थी ध्रुवीय। ध्रुवीय प्रकृति का मतलब हम जानते हैं कि यहाँ कार्बन और जो क्लोरीन है उनकी विद्युत ऋणताओं में डिफरेंस है, अंतर। क्लोरीन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण से इस पर आंशिक का ऋणावेश और कार्बन पर आंशिक का धनावेश आ जाता है, जिसके कारण से
इस बंध की प्रकृति है वो ध्रुवीय हो जाती है। जब भी अपन इस बंध का विखंडन करवाते हैं तो विस्मास विखंडन होता है, हेलोजन पे ऋणावेश और कार्बन पे धनावेश आता है। इसी प्रकार से इन हेलो एरिन में जो कार्बन हेलोजन बंध है उसकी प्रकृति भी कैसी होती है, ध्रुवीय ही होती है, क्योंकि दोनों की विद्युत ऋणताओं में अंतर होता है। उसके बाद में एक चीज यहां ये नोट करने वाली है कि हेलो एल्केन में कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बंध था वो प्योरली शुद्ध सिंगल बॉन्ड या एकल बंध था, जबकि यहां इन हेलो एरिन्स कंपाउंड में हेलोजन परमाणु पर लोन पेयर उपस्थित होते हैं और होने के कारण ये जो लोन पेयर है ये बेंजीन बल्ले के साथ अनुनाद में भाग लेते हैं। और अपन को पता है कि जब ये अनुनाद में पार्टिसिपेट करेंगे तो विभिन्न इसकी अनुनादी संरचनाएं बनती है और वो अनुनादी संरचनाएं अपन कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं इसलिए आप देख सकते हैं और आगे बढ़ाएंगे तीन इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या अनुनादी संरचनाएं और बनेंगी। यहाँ पे माइनस का चार्ज एक बार और तो पे आ जाएगा, फिर एक बार पैरा पे वापस माइनस और तो पे, और लास्ट वाली स्ट्रक्चर फर्स्ट के सिमिलर या समान ही होगी। सब कुछ आपको बताया हुआ पहले से और ध्यान रखेंगे। तो अब इस अनुनाद के कारण से यहाँ पे पैर पॉइंट क्या हुआ वो देखें। हम इस कार्बन और हाइड्रोजन जो परमाणु अपना जो क्लोरीन यहाँ लिया है उसके मध्य यहाँ अब आंशिक द्विबंध के लक्षण आ गए अपने पास। पहले जो सिंगल बॉन्ड था अब वहां पे बॉन्ड कैसा आ गया है, डबल आ गया, द्विबंध आ गया। इसी कारण से हेलो एरिन में कार्बन हेलोजन बंध है वो अधिक मजबूत होता है किसकी तुलना में, हेलो एल्केन की तुलना में। और जो बंध जितना स्ट्रॉन्ग जितना मजबूत होता है वो है उतनी ही प्रबलता से या मतलब उसको तोड़ने के लिए अधिक एनर्जी की या ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो अगर हेलो एल्केन का कार्बन हेलोजन बंध और हेलो एरिन का कार्बन हेलोजन बंध तोड़ना है तो इजीली हेलो एल्केन का बंध टूट जाएगा क्योंकि वहां से सिंगल बॉन्ड है जबकि इसके अंदर कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। और वी नो दैट या हम जानते हैं कि द्विबंध अधिक मजबूत होता है, उसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ये कुछ इंट्रोडक्शन हेलो एल्केन के बारे में अपने पढ़ा, उसका नामकरण, बंध की प्रकृति कैसी होती है, ध्रुवीय प्रकृति होती है, अर्थात जब भी बंध को तोड़ेंगे तो हेलोजन पर ऋणावेश आएगा और कार्बन पर धनावेश आएगा। अगर हेलो एल्केन और हेलो एरिन के दोनों की कंपैरिजन करवाएं, दोनों की तुलना करवाएं तो कौन सा बंध जल्दी टूटेगा, हेलो एल्केन का। क्यों, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है जबकि यहाँ पर अनुनाद के कारण से डबल बॉन्ड के लक्षण आ गए हैं, उस बंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अब अपन हर टॉपिक की तरह इसके अंदर भी हेलो एरिन बनाने की विधियां देखेंगे, फिर उसके अपने भौतिक गुणधर्म है और रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म में रासायनिक अभिक्रियाएं अपन देखें। तो फर्स्ट में अपन देख रहे हैं हेलो एरिन बनाने की विधियां। विधियों की बात करेंगे तो इसमें फर्स्ट मेथड है बेंजीन के हेलोजनीकरण द्वारा, बेंजीन के हेलोजनीकरण द्वारा। हेलोजनीकरण मतलब हम पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं, H2 के साथ अभिक्रिया, मतलब हेलोजन के साथ अभिक्रिया और हेलोजन परमाणु का जुड़ना। जैसे बेंजीन इसकी अभिक्रिया यदि क्लोरीन के साथ Cl2 के साथ करवा दे अपन लुईस अम्ल FeCl3 की उपस्थिति में, तो Cl2 के साथ अभिक्रिया होना क्लोरीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। इसकी जगह आप Br2 लेंगे तो ब्रोमीनीकरण हो जाएगा। तो जैसे अपन इस Cl2 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो अभी अपन क्या बोला, हेलोजनीकरण H2 के साथ अभिक्रिया H का जुड़ना, वैसे क्लोरीनीकरण अभिक्रिया में Cl2 के साथ अभिक्रिया और Cl का जुड़ना होगा। तो इस कंडीशन में ये जो क्लोरीन है वो जुड़ जाएगा किस पर,
बेंजीन पर, किसी भी परमाणु पे आप उसको, किसी भी कार्बन परमाणु पे आप उसको जोड़ सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ क्लोरीन, और जो क्लोरीन जहां जुड़ा है वहां से क्या रिप्लेस हुआ, क्या आया है, हाइड्रोजन। इसका क्या बच गया, एच। दोनों को आप कंबाइन कर देंगे क्या बनेगा, HCl। ये एरोमेटिक यौगिकों की अभिक्रिया पर पहले पढ़े थे, जिसमें ये बात होता है कि ये मुख्य अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन्स में प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स में प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स में प्लस वाला दूसरे प्लस वाले को जब प्रतिस्थापित करता है तो वो अभिक्रिया होती है इलेक्ट्रॉन्स में प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक इसी प्रकार से अगर इसकी अभिक्रिया अपन ब्रोमीन के साथ करवा दें तो अभिक्रिया कौन सी होगी, ब्रोमीनीकरण। और ब्रोमीनीकरण का मतलब क्या जुड़ेगा, बीआर। तो बीआर जोड़ देंगे और साथ में रिमूव क्या हो जाएगा, एचबीआर। तो फर्स्ट मेथड बेंजीन के हाइड्रोजनीकरण द्वारा, बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन ब्रोमीन के साथ लुईस अम्ल FeCl3HCl3 की उपस्थिति में करवाते हैं। क्लोरीन के साथ कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ब्रोमीन के साथ कराएंगे तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। सेकेंड मेथड है वो है मुस्टिकर अभिक्रिया द्वारा, यह अभिक्रिया अपन हेलो एल्केन में पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद हो तो देखेंगे आप मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में करवाते हैं तो एल्किल ब्रोमाइड का या ब्रोमो एल्केन का निर्माण होता है। इसी का अपन पढ़ी थी। अब वही अभिक्रिया, उस जिक्र अभिक्रिया अपन को वहां वापिस पढ़नी है, लेकिन इस बार अपन बनाना क्या चाहते हैं, हेलो एलिन। तो जहां अपन एल्किल समूह ले रहे थे अब वहां पर अपन को एरोमेटिक समूह लेना पड़ेगा, लेकिन लेना वही कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है, जैसे ये COO Ag कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, सिल्वर बेंजोइड अपन इसको बोल सकते हैं। अभिक्रिया उस जिक्र अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं, BR2 के साथ। उपस्थिति किसकी रहती है, CCl4 की। तो याद हो तो अपने क्या किया था, इसका Ag और इसका एक BR हटाया था, AgBr यहां से रिप्लेस करवाई थी क्या, CO2 गैस। अब यहां का एक BR इसके साथ कनेक्ट हो गया, एक और बच गया BR, वो कहां जुड़ेगा, इस बेंजीन पे। तो जुड़ जाएगा अपने पास BR, नीचे क्या है, ब्रोमोबेंजीन बना, रिप्लेस क्या हो, CO2 प्लस AgBr। तो वो सेम अभिक्रिया, सिर्फ चेंज क्या किया है, वहां हेलो एल्केन में अपन ने यहाँ बेंजीन की जगह CH3 ले लिया, C2H5 ले लिया, कुछ भी ले लिया, लेकिन यहाँ अपन को हेलो एलिन बनाना है तो बेंजीन बदले जी, तो अपन ये सिल्वर डबल लिए, अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में करवाएंगे, पीछे करवा के आए आप ये ले सकते हैं। तो ये उस जिक्र अभिक्रिया जिसके द्वारा केवल और केवल आप ब्रोमो कंपाउंड ही बना सकते हैं, ब्रोमीन की अभिक्रिया किसके साथ करवाई जा रही है, BR2 के साथ करवाई जा रही है। थर्ड टाइप का जो मेथड है वो है रोसिन प्रकरण द्वारा, जैसे कि अभी अपन ने पीछे जस्ट हुस्जिकर अभिक्रिया देखी, हुस्जिकर अभिक्रिया उसमें क्या बनता है, ब्रोमोबेंजीन। ठीक इसी प्रकार से रोसिन जो प्रकरण है उसके द्वारा सिर्फ क्लोरोबेंजीन बनाई जा सकती है। कैसे बनाएंगे अपन क्लोरोबेंजीन, बेंजीन की वाष्प को, मतलब बेंजीन जो है उसकी वाष्प को यदि वायु की उपस्थिति में, वायु मतलब एयर ऑक्सीजन O2, उसका हाफ मॉलिक्यूल अपने काम में है, बेंजीन की वाष्प को वायु की उपस्थिति में HCl की उपस्थिति में CuCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब प्रवाहित किया जाता है तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है, इससे क्लोरोबेंजीन बनता है और साथ में H2O। बेंजीन की वाष्प को प्रवाहित किया गया वायु HCl के साथ उत्प्रेरक CuCl2, हाफ O2 का मतलब एक ऑक्सीजन
यहाँ HCl रिप्लेसमेंट रिएक्शन प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जैसे ये जो Cl है वो यहाँ पे ऐड हुआ किसकी जगह H, यहाँ से H निकला, यहाँ पर भी H है, हाफ O2 का मतलब एक ऑक्सीजन है, सबको कंबाइन कर देंगे क्या बनेगा H2O क्लोरोबेंजीन। तो रोस्टिंग प्रक्रम द्वारा अपन क्या बना सकते हैं क्लोरोबेंजीन। डेफिनेशन एक बार फिर सुन लेंगे आप क्लोरोबेंजीन का, क्या बताया था रोस्टिंग प्रक्रम में, जब बेंजीन की वाष्प को वायु की उपस्थिति में HCl के साथ CuCl2 की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट और लास्ट इसका फोर्थ मेथड हेलोबेंजीन बनाने का, वो है बेंजीन डाइएजोनियम लवण द्वारा, बेंजीन डाइएजोनियम लवण द्वारा, नया नाम बेंजीन तो आप जानते हैं, डाई शब्द का भी पता है, समान समान या सेम सेम ग्रुप यदि दो आ जाते हैं तो उसके लिए डाई शब्द काम में लेते हैं। आगे वर्ड देखेंगे एजोनियम, एजा वर्ड नया है, ईएम शब्द है वो प्लस के लिए लगता है, और आपको बताओ तो आयन जो शब्द है वो माइनस के लिए लगता है, जैसे सीएल माइनस क्लोराइड, बीआर माइनस ब्रोमाइड होता है, एनएचओ प्लस अमोनियम, एसटीओ प्लस ऑक्सोनियम प्लस यहां एजोनियम। ये जो एजा वर्ड है एजा, ये हेटरोसाइक्लिक केमिस्ट्री विषम चक्रीय रसायन के अंदर नाइट्रोजन के लिए काम में लिया जाता है, एजा मतलब नाइट्रोजन। इसी प्रकार से जो सल्फर होता है उसके लिए थाया और ऑक्सीजन है उसके लिए ऑक्सा शब्द काम में लिया जाता है, और नाइट्रोजन के लिए क्या काम में लिया है एजा। तो अब क्या समझे बेंजीन, बिल्कुल बनाए बेंजीन, डाई मतलब दो, एजा मतलब नाइट्रोजन, कितने नाइट्रोजन दो, एन टू, ईएम कैसे चार्ज लगाए प्लस लगा देंगे। आगे नाम और लवण, तो लवण एक नॉर्मल सी बात है, जैसे सिंपल लवण सोडियम क्लोराइड होता है NaCl जिसमें Na प्लस Cl माइनस होता है, तो वैसे ही इस डाइएजोनियम में लवण का मतलब यहां पर है कोई भी नेगेटिव स्पीसीज, एनी एनायन कोई भी धनात्मक स्पीसीज ले जाए एक्स माइनस। यहां एक्स मतलब सिर्फ हेलोजन से नहीं है, एक्स का मतलब है एनी रिनायन, कोई भी रिनायन हो सकता है, जैसे बी आर माइनस, आई माइनस, एच एस ओ फोर माइनस, मतलब मेरे कहने का मतलब यहाँ सिर्फ आप हेलोजन ही नहीं लेना है, कोई भी धनात्मक स्पीसीज हो सकती है। वैसे ये जो रिएक्शन अपन पढ़ रहे हैं वो चैप्टर नंबर 13 नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में एक बार फिर पढ़ेंगे तो आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, फिर भी एक्स का मतलब क्या है कोई भी रिनायन है। तो बेंजीन डाइएजोनियम लवण, ठीक है, इसकी अभिक्रिया अपन HCl के साथ, इसकी अभिक्रिया HBr के साथ, HCl लेंगे तो CuCl2 लेना पड़ेगा क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति, क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2, HBr उपस्थिति CuBr2 क्यूप्रिक ब्रोमाइड, अगर आप HCl लेंगे तो क्यूप्रिक क्लोराइड लेना पड़ेगा, HBr लेंगे CuBr2 क्यूप्रिक ब्रोमाइड लेना पड़ेगा। तो बेंजीन डाइएजोनियम लवण की अभिक्रिया HCl या HBr के साथ CuCl2 या CuBr2 की उपस्थिति में करवाई जाती है, तो क्रमशः क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है। अगर ये लेंगे तो क्लोरोबेंजीन, ये लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन। रिप्लेसमेंट रिएक्शन है प्रतिस्थापन, ये जो पूरा ग्रुप है अपना, ये पूरा ग्रुप ये रिप्लेस हो जाता है, HCl से कराएंगे तो Cl, HBr से कराएंगे तो Br। और अच्छी तरीके से समझने के लिए अपन चैप्टर नंबर 13 में इसको वापस रिवाइज करेंगे, फिर एक बार आप देख लेंगे रिप्लेसमेंट रिएक्शन है। तो नीचे बेंजीन तो है ही, यहां आपको किसे प्रतिस्थापित करवा रहे Cl से, तो क्लोरीन बना गया है क्लोरोबेंजीन प्लस, ये जो N2 है ये गैस के रूप में बाहर निकल जाएगी, नाइट्रोजन गैस, यहां क्या बचा है एक्स, यहां क्या बचा है H, दोनों को जोड़ देंगे क्या बनेगा HX। सिमिलरली इसी प्रकार से हम इसको कैसे बताएंगे, ये रिप्लेस किससे होगा Br से, तो बनेगा क्या ब्रोमोबेंजीन साथ में N2 और क्या HX। तो बेंजीन डाइएजोनियम लवण की अभिक्रिया HCl या HBr के साथ CuCl2 CuBr2 की उपस्थिति में करवाई जाती है,
तो क्रमशः है क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, ये अभिक्रिया सैंडमेयर अभिक्रिया कहलाती है। सैंडमेयर अभिक्रिया नेम देख सकते इंपॉर्टेंट, जैसे अपन पीछे वुड्स अभिक्रिया पढ़ के आए हैं, पुस्तिकल अभिक्रिया पढ़ के आए हैं, वैसे ही अभिक्रिया सैंडमेयर, मतलब सैंडमेयर अभिक्रिया में क्लोरोबेंजीन भी बनेगा और ब्रोमोबेंजीन। लेकिन अगर आप बेंजीन डाइसल्फाइड लवण लेकर एच गैस यूट्यूब यार को लेकर क्लोरोबेंजीन बना रहे हैं उस कंडीशन ये गलत है, और ये लेके बनाओ ये गलत है। मतलब ऐसे लेंगे तो सिर्फ क्लोरोबेंजीन और एच गैस लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन, बढ़ सकते हैं दोनों ही है, उपस्थिति पे डिपेंड करता है, अभिक्रिया कराती है सेलुलर अभिक्रिया। ठीक इसी प्रकार जब अपन इस बेंजीन डाइसल्फाइड लवण की अभिक्रिया वही HCl और किससे करवाते हैं HBr से, लेकिन सिर्फ कॉपर की उपस्थिति उपस्थिति पे ध्यान दें, यहाँ क्योंकि क्लोराइड और क्योंकि ब्रोमाइड था, जबकि यहाँ पे सिर्फ कॉपर पाउडर कॉपर चूर्ण है, जब HCl और HBr सेम है। अगर HCl से कराएंगे तो क्या बनना चाहिए क्लोरोबेंजीन, और यहाँ से कराएंगे तो ब्रोमोबेंजीन, तो यहाँ ये जो अपने पास है इसे बनना चाहिए क्लोरोबेंजीन सेम टू सेम रिमूव, और इस HBr वाले से कराएंगे तो क्या बन जाएगा अपना ब्रोमोबेंजीन। लेकिन अब अभिक्रिया सेंटर नहीं है कि उपस्थिति चेंज होती है, अभिक्रिया का नाम चेंज होता है, अभिक्रिया का नाम है डॉक्टर मान लिखती है, दोनों चैप्टर नंबर 13 में एक बार फिर रिपीट होगी, लेकिन उससे पहले आप पढ़ लेंगे ये डॉक्टर मान अभिक्रिया और सेंटर अभिक्रिया दोनों के उत्पाद आपको समान दिख रहे हैं, क्या क्या बनेंगे क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, लेकिन दोनों में डिफरेंस है उपस्थिति का, क्योंकि क्लोराइड क्योंकि ब्रोमाइड, जबकि यहाँ पर सिर्फ क्या है कॉपर पाउडर है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट रिएक्शन सेंडमेल अभिक्रिया और कौन सी डाटा मान अभिक्रिया, तो बेंजीन डाइसल्फाइड लवण के द्वारा अपन हेलोजन बनाना चाहते थे और बना लिया है क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाया है। इसी प्रकार से एक अभिक्रिया अपन इसी से डाइसल्फाइड लवण से देख सकते हैं कि बेंजीन डाइसल्फाइड लवण की अभिक्रिया जब अपन पोटेशियम आयोडाइड के साथ KI के साथ करवाते हैं, अब आपके साथ से किससे रिप्लेस होना चाहिए, जैसे HCl से कराया था तो क्लोरीन से हुआ था, HBr से कराया तो किससे होगा ब्रोमीन से, तो KI से कराएंगे तो किससे होगा I से, जिसके फलस्वरूप आयोडोबेंजीन बनेगा आयोडोबेंजीन, बाकी भी सेम N2 गैस, यहाँ का K बचा है यहाँ का H बचा है, क्या बन जाएगा तो आयोडोबेंजीन बना है। ये अपने पास हेलो एरिन बनाने की अभिक्रिया की, क्विक रिवाइज करें तो अपने क्या देखा है कि हेलो एरिन को अपन बना सकते हैं चार प्रकार से। सबसे पहले क्या देखा था अपन ने बेंजीन के हेलोजनीकरण द्वारा पढ़ा, अपने बेंजीन की अभिक्रिया हेलोजन के साथ लुईस अम्ल की उपस्थिति में करवाई। सेकंड पुस्तिकल अभिक्रिया के द्वारा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की सिल्वर लवण की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में करवाते तो बन जाता है अपने पास केवल ब्रोमोबेंजीन। क्रॉस उपक्रम के द्वारा आप क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, निकाल अपना बेंजीन वाष्प को वायु की उपस्थिति में HCl CuCl की उपस्थिति में करवाते क्लोरोबेंजीन। थर्ड टाइप बेंजीन डाइसल्फाइड लवण से, बेंजीन डाइसल्फाइड लवण का फॉर्मूला आपको बता दिया गया है, बेंजीन है N2+X-, अभिक्रिया सैंडमेयर अभिक्रिया द्वारा बना सकते हैं डाटा मान, दोनों क्या डिफरेंस है डिफरेंस उपस्थिति का CuCl2CuBr, जबकि यहाँ पे अपने पास सिर्फ कॉपर पाउडर है। इसी प्रकार बेंजीन डाइसल्फाइड लवण की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवाई जाती है तो फिर अपने पास हाइड्रोबेंजीन का निर्माण होता है। आज के लिए अपन इतना ही, ये आप हेलो एरिन और हेलो एरिन बनाने की वीडियो देखेंगे, नेक्स्ट फिर अपन इसके अंदर केमिकल रिएक्शन उसकी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के लिए आप ये तो पढ़ेंगे और जो पीछे का पढ़ा मोनो हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी है जिसमें नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया धातुओं के साथ अभिक्रिया वो जो पढ़ा है उस टॉपिक को रिवाइज करें, नेक्स्ट क्लास में अपन उस पर ही चर्चा करेंगे। थैंक यू।